जय इंटू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं DRDO के सेक्टर 10 को लेकर के एग्जाम एनालिसिस, और मैं फायरमैन की बात करूंगा क्योंकि फायरमैन का मुझे मिला है FIREMAN फायरमैन। तो फ्रेंड्स, आज का लेवल क्या था? क्या मैथ्स वही आया है, 20+ आया है, रीजनिंग 20+ आया है कि कुछ कम हुआ है? क्या GS GK और इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन बढ़े हैं कि घटे हैं? तो A to Z नॉलेज देंगे फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब्सक्राइब लाइक ठोक दे मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में वही लेवल है, 20+ ही आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं बदला है। मैथ्स एंड रीजनिंग 20+, 20 से 25 के अंदर दोनों है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग। GS GK की बात कर लें, वही 8 से 10 क्वेश्चन GS GK में भी है, और इंग्लिश में आज थोड़ा बड़ा है, जैसे 5 से 7 क्वेश्चन आता था, कल आया था, परसों आया था, तो आज 8 से 9 आया है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश का आप देख सकते हो, मतलब वही मॉडरेट इंग्लिश भी है, और क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग फिक्स है। फिक्स में क्या है फ्रेंड्स, आप देखते हो 20+ 20+ मतलब 40+ आपका ये हो जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग, बाकी GS GK एंड इंग्लिश में हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो मैथ्स एंड रीजनिंग इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करो। ओके फ्रेंड्स, मैथ्स में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया था, टाइम एंड स्पीड से एक क्वेश्चन आया था, ट्रेन से एक आया था, परसेंटेज से आया था, CISI, बाप रे पूछो मत भाई, ये तो एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है, और ये सबका फेवरेट भी होना चाहिए क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछता है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, बहुत इजी होता है भाई। इसमें पहले बताया था, ये सब कवर कर लोगे ना, सिलेक्ट हो जाओगे। बात कर लेते हैं मिक्सचर से एक आया था, और सिंप्लीफिकेशन से 2+ या 3+ भी कह सकते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत से चैप्टर्स आ जाते हैं ना, और LCM SCM सब देख रहे हो, सब उसी के सब इर्द गिर्द रहते हैं, और नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया था। हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की क्या बात करें यार, सिटिंग रेजिमेंट से मैंने बोला 3+4 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऐसा क्वेश्चन ये कॉमन चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर ये कि इसमें से 3+ आते ही आते हैं, और जानते हो उसमें से बैठा देगा पंक्ति में कि 4 लोग पंक्ति में बैठे, 6 लोग पंक्ति में बैठे, कोई पूरा मुंह किया है कि उत्तर मुंह किया, ऐसे करके रहता है। ब्लड एंड रिलेशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप बोल रहे हैं बंदे क्या 2+ आया था, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आया था ब्लड एंड रिलेशन से, बहुत ईजी होता है, समझ रहे हो ना? आज तो ब्लड एंड रिलेशन जानते हो कहाँ तक पहुँचा दिया था, मतलब उसके पापा के पापा क्या लगेंगे, और उसकी मम्मी तो क्या कुछ करके था, तो उसके ससुर लगेंगे, ससुर तक पहुँचा दिया था। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन में, दिशा जो होता नहीं है, निर्भय सुबह उठा, पूरब को मुंह करके 10 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ गया, ऐसे टाइप का होता है ब्लड एंड रिलेशन। एक क्वेश्चन ब्लड एंड, 2 क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन से था। हम बात लेते हैं डायरेक्शन से ये तो डायरेक्शन का ही था 1 क्वेश्चन, मैंने बताया अभी कि पूरब के मुंह की जाता है, और कोडिंग एंड डिकोडिंग भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट एंड रिपीट, इसके लिए एक लाग कर दो भाई। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, हर डे, चाहे 13 मार्च लो, चाहे 14 मार्च लो, चाहे 15, चाहे 16, आज का ही ले लो, 4+ क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम बात कर लेते हैं सीरीज की, सीरीज में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, फिक्स है, मतलब देखो कैलेंडर हो गया आपका, और डाइस हो गया, और दर्पण, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, क्या पता भाई आप में आ जाए 17 को आ जाए 18 को आ जाए, इससे अभी तक तो नहीं दिखा, 13, 14, 15, 16 चार दिन से दिख नहीं रहा है, आई थिंक ये 90% नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ओके, बट आप पढ़ लेना, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ओके, फंस जाते हैं कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, और GS GK में, GS GK का भी क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको, डायरेक्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में 8 से 9 क्वेश्चन आया था, इसमें एंटोनिम था एक, नरेशन था एक, वॉयस, आज वॉयस भी दिख रहा है भाई, वॉयस पढ़ लेना। ग्रामर तो 2+ ही ले लो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, और PQRS तो रहता ही है, प्रीपोजिशन भी रहता है, 1 वर्ड्स भी दिखा था भाई, 1 वर्ड्स दिख रहा है, इसलिए बहुत ईजी होता है, कहावत जैसा रहता है भाई, तो 1 वर्ड्स थोड़ा देख लेना, 10-20 तो हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, GS GK क्वेश्चन आपको चाहिए ना, उसके पहले मैं बता रहा हूँ, बट रुक जाओ मेरी बात सुनो ध्यान से। अब सबको लगेगा इसमें निगेटिव तो नहीं है, तो क्या कटाव बहुत हाई जाएगा? कटाव के बारे में दूसरा वीडियो आएगा, बट 2 मिनट आपका समय लूंगा, मैं बता दूं कि भाई सभी क्वेश्चन 75 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सभी वहां बच्चे घबरा जा रहे हैं। अभी मैं कल का बता रहा हूँ, एक बंदा था वो 43 क्वेश्चन अटेंड किया था, हद है भाई, विदाउट निगेटिव तुम कर क्या रहे थे? और बहुत लोग 50 कर रहे हैं, 75 में से 50 कर रहे हैं, बहुत लोग 60 कर रहे हैं, बहुत लोग 64 कर रहे हैं, मतलब 75 75 बहुत कम बंदे अटेंड कर रहे हैं, बताओ चाहे ये कट ऑफ में आएगा? मान लो उसका 43 का 4300 सही है, मैं मान लिया पूरा अटेंड किया है, ये इसका हवा नहीं लगेगा एग्जाम में भाई, पता नहीं क्यों, पता क्यों,
क्योंकि 43 क्वेश्चन कटाप जाएगा क्या यार, कटाप इसका 60+ ही जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन देखो, लास्ट 2 मिनट बच जाए ना, आप क्या किया करो, जितना क्वेश्चन आए छोड़ दो, समझ रहे हो ना, पहले टिक मार दो पूरा, जैसे 50 तक आप कर लियो 50 क्वेश्चन, ठीक। बच्चा कितना, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक। 25 क्वेश्चन आपको क्या करना है, खटाकर 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 टिक मार देना 2 मिनट के अंदर, चाहे ए बी 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 सी सी कुछ भी पकड़ लो मार दो, ठीक, समझ रहे हो ना। कुछ तो सही होगा आपका, 25 से 10 भी सही होगा ना भाई, 60 पहुंच जाओगे आप, इससे तो ऊपर ही रहोगे 43 वाले से, समझ रहे हो ना। अब जीएस जी के क्वेश्चन देख लो, ये साइड में सब जीएस जी के क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, और इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो। और थोड़ा हम बात कर लेते हैं जीएस के क्वेश्चन को, करेंट में आज एक ही क्वेश्चन आया था, बहुत कम करेंट पूछ रहा है यार, तो करंट में पहले ही बोला था, करंट भाई एक दो क्वेश्चन पूछेगा ये। आंवला में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन था आज। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र कन्वर्ट करता है, हिस्ट्री से सा कोई युद्ध करके था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार कब मिला था, नहीं सॉरी नोबेल पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और चीफ सीडीएस के चीफ पूछा था, सेकेंड चीफ कौन है आप सबको पता है। और बीमा किसकी सहायता, नहीं बीमा किसकी सहायता नदी है, ओके बीमा किसकी सहायक नदी है, ये था। और उत्तर भारत का डांस पूछा था, और नेशनल पार्क से था। तो फ्रेंड्स आज का यही क्वेश्चन था, अगर वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो यार। अब क्या देख रहे हो, सभी एग्जाम का एनालिसिस मिलता है इस यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सी चीजें मिलती है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए यार, और मैं कल हो सकता है लाइव आऊँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त का एग्जाम है इलाहाबाद में, तो कल मैं शायद लाइव रहूँ आप लोग के सामने, तो कल लाइव जुड़ना ना भूले हमारे साथ में। अगर मैं भी अगर मैं खाली रहूंगा तो उसके साथ जरूर जाऊंगा, तो फिर एनालिसिस तो आएगा ही आएगा, थोड़ा लेट से ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।